हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का गेट एकेडमी चैनल में। हम लोग जो सीरीज किए हैं स्टार्ट, उसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन 2013 का है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, और देख के बड़ा ही कैलकुलेटिव टाइप लग रहा है। और सच बता रहा हूं, बिना कैलसी के आप लोग इसको कर नहीं पाएंगे, मैक्सिमम लोग इसे छोड़ के जाएंगे। लेकिन इसको करने का मैं एक तरीका बताता हूं जिसमें कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही ट्रेड ऑफ टेक्निक, वही ट्रेड ऑफ मैथड। मेरा यह मानना है कि जब भी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के क्वेश्चंस करें तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के मोड में ही चलें। कहने का मतलब, बिना कैलसी के ट्राई करें और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? तो एकदम कदम कदम बढ़ाया जा, शेयर पे शेयर करे जा। चलो आओ देखो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या दिया है आपको, सीओपी दिया है, एक सरसरी निगाह फेरी है, और पावर इनपुट दिया है। अच्छी बात है। सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर एंथैल्पीज, यानी कि ये आपको दे दिया एचएफ, है ना, और ये दे दिया आपको एचजी। सही है, 30 डिग्री सेल्सियस सेचुरेशन पे। कहने का मतलब ये हुआ मेरे लाल कि अगर हम लोग यहां पे एक स्टैंडर्ड वीसी साइकिल बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3 एंड 4, और ये 2 डैश। तो आपको H3, HF, H3, ये सारी चीजें गिवन है। अब आपको पूछा है इसने कि T2 निकाल दो, T2 निकाल दो जब CPA गिवन है। अरे यार बड़ा ही खतरनाक, अब कैसे करें भाई, है ना? तो सबसे पहले तो समझो सीओपी दिया है ना, सीओपी होता क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट। दिया है 5.5, और पावर इनपुट कितना है आपका, ये है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओवर पावर इनपुट, आपको 40 गिवन है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 220 किलोवाट, माय डियर स्टूडेंट्स। जी हां, 220 किलोवाट। ये जब आ गया किलोवाट में, आप यहां पे पुट कीजिए मास फ्लो रेट के साथ, यानी 220 बराबर मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H4। अब मेरे लाल H1, H4, H4 और H3 सॉरी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, और ये HF के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे 220 अपॉन में एम डॉट अगर करूं तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, और अच्छा इवेपोरेटर एंथैल्पी एग्जिट पे 187, तो 187.53 माइनस 69.55। अब मैक्सिमम लोग क्या गलती करेंगे, यहां पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे 90% लोग, और उसके अलावा क्या करेंगे, एग्जैक्टली सॉल्व कर 117.98, नहीं करना, नहीं करना। आप यहां पे सिंपली इसे 220 बटे 118 करके छोड़ दो, ऑलमोस्ट 118 आ रहा है, ऑलमोस्ट 118 आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट करके छोड़ दो। अब ऑलमोस्ट वाला गेम अपना चलेगा, ऑलमोस्ट करके छोड़ दो। और एक बात बताऊं, यहां पे बहुत ही क्लोज कॉल है, क्लोज कॉल है। देखो 40 41 42 43, थोड़ी सी गलती गड़बड़, तो थोड़ी सी गलती होगी भी नहीं, आप टेंशन मत लो। देखो ये कर दिया आपने, अच्छा अब मेरे लाल 40 किलोवाट जो गिवन है पावर इनपुट, वो क्या एम डॉट H2 माइनस H1 ना होगा, 100% होगा। तो ये हो गया महाराज 40 बराबर 220 बटे 118, और H2 माइनस H1 है 187.53। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा इधर फेंकिए, H2 को निकालिए, मुस्कुरा के आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए जनाब कितना आ गया, 40 गुना 118 बटे 220 प्लस 187.53, ये तो आएगा ना भाऊ, 100% आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। अब जब आप इसमें H2 देखोगे ना, H2 किताब मैक्स, अब यहां पे गलती क्या करेंगे, अगर लोग यहां पे पहुंच भी गए तो गलती क्या करेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, अरे मत करो रे बाबा मत करो। देखो कैसे करो, ये हो गया 2, ये 11, और 11 से जब ये जाएगा मेरे लाल, 11 से जब ये जाएगा तब ये 10 तो आ जाएगा, 110, 8 बचा लेकिन 77.7, और फिर 2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है? तो 0.7 कर लो 11 से काट के, लगभग ये इतना हो गया। और जैसे ही आप इसमें गुणा करोगे तो ये कितना आ गया आपका, 21.4 प्लस 187.53, ये ऑलमोस्ट है बाबा। और चेक कर लेना आप कैलसी से, इसका यह आ रहा है 208.93, और कैलसी से आ जाएगा 98। अब यार एक बात बताओ, बिना कैलसी के यहां तक पहुंच गए, अब जब यहां तक पहुंच ही गए हो तो आराम से H2 निकाल सकते हो। हो कितना जाएगा, H2 डैश प्लस CpG गैसियस वाला है, T2 माइनस T2 डैश। आओ जरा इसे देखो,
यहां पे इतना प्लस सीपी डेल्टा टी, ऐसा ही तो हम पढ़ते भी हैं। तो आओ मेरे लाल इसको जरा कर लो। अब देखो ये गिवन है आपका 208.93 बराबर एच टू डैश गिवन है आपको मेरे लाल, कितना 201.45। अब देखिए 201.45 प्लस 0.61 समथिंग गिवन है, 0.6155 है मान लीजिए, नहीं भी है तो 0.61 से इंपॉर्टेंट है हमारा। खैर T2 हमने निकालना है और टी ये 30 इतना है। अब यार यहां पे सॉल्व करने में एकदम हालत खराब हो जाएगी लोगों की, लेकिन मैं आपको इसको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं, तनिक थोड़ा सा ध्यान रखें। 0.6155 प्लस 30 यही हो जाएगा T2। अब सर बिना कैलसी के कैसे सॉल्व कर लेंगे, मेरी बात ध्यान से देखो, मोटे मोटे अक्षर देखो यहां पे, तो ये मेरे ख्याल से लगभग 7.5 के आसपास बोल सकता हूं, अपॉन में 0.6155 प्लस 30। सर अब तो कैलसी दे दो, अब तो कैलसी चाहिए, अरे नहीं चाहिए। देखो T2 बराबर 30 प्लस 7.5 बेटे 0.61, लगभग 0.6 है, तो ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग 0.6 है। अगर ये लगभग 0.6 है तो 0.6 को मैं 3/5 बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो ये 30 प्लस 7.5 पांच ऊपर गया, बटे आया 3, कितना हुआ 2.5। अरे मेरे लाल 2.5 हुआ, और 2.5 5 12.5, 12.5 30 प्लस 12.5 ऑलमोस्ट, अरे एग्जैक्ट नहीं आया तो क्या, लेकिन आपको पता चल गया T2 इज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 42.5, इसी के बहुत पास होगा। ऑप्शन में देखो 42 के आसपास कौन सा है, और मेरे बच्चे जब आप सॉल्व करोगे वहां 5 आया, यहां पे 2 आ रहा है, वो थोड़े मोड़े जो आपने आपने जो छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लिया है इसी वजह से। देख लीजिए कहीं पे भी कैलसी की जरूरत नहीं पड़ी मेरे लाल, बिंदास एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो में दिक्कत है तो वापस इसको कर लेना, कहीं आपको लगे कि ये तो पहले से कैलकुलेट, नहीं भाई कुछ कैलकुलेशन नहीं, वापस देखो एक बार और देखो। सीओपी से ये निकाला मैंने, मास फ्लो रेट को कैलकुलेट करने से मना कर दिया कि 1.86 जो भी आता मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं सॉल्व, मैं पावर इनपुट में पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से इसको सॉल्व किया, तो ये लगभग इतना आ रहा है। कैलसी से करना देखना 208.98 आएगा, हल्का सा फर्क है। अब आपको H2 मिल गया, H2 का फॉर्मूला ये लगा दोगे जैसे ही, अब यहां पे आप सॉल्व हरगिज एग्जैक्ट मत करो, 7.5 0.6 के आसपास है, वो 3/5 होता है बच्चे, 3/5 सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स फॉलो करोगे ना बहुत मजा आने वाला है, समझ गए। एक एक क्वेश्चन एकदम इंजीनियरिंग सर्विसेज टेक्निक से हो जाएगा, और मेरा यही मानना है कि जैसा देश वैसा भेस, जिस टाइप का क्वेश्चन उसी टाइप से आप उसको अप्रोच करें, प्रैक्टिस करें, और कभी आगे से शिकायत नहीं होगी कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो सवाल हैं वो कैलकुलेटिव सवाल हो नहीं पाते। तो अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो मैं प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा, कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आप प्लेलिस्ट चाहते हैं इसकी, क्या आप चाहते हैं कि और ज्यादा इसके इसको और ज्यादा इस डोमेन को एक्सप्लोर करें, और ज्यादा आपको पारंगत बनाया जाए, बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज ही नहीं बहुत सारे एग्जाम्स में आपके काम आएगी। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड, शेयर इट एज मच एज यू कैन, दिल खोल के शेयर करो, क्योंकि आपसे और कुछ नहीं सिर्फ इतनी सी ही उम्मीद है, और कॉमेंट्स जरूर करें, कॉमेंट्स कीप्स अस captivated, okay, and do like if you like it. Thank you so very much. Jai Hind.